वट्स पीपल हेयर एम बैक विद द न्यू वीडियो सो मैं आज बेसिकली बात करने जा रहा हूँ सीट बेल्ट के ऊपर जो हमारी रियर साइड पर सीट बेल्ट होती है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द इंडियन नॉर्म्स हमारे में रियर सीट बेल्ट लगानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता पुलिस वालों को इससे कि हाँ फ्रंट में हमारी सेफ़्टी के लिए हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है कि हमें लगानी ही चाहिए और प्लस इससे हमारी लाइफ भी बची रहती है अगर बाई चांस कुछ है मिस हैप ना हो किसी के साथ तो बात करने जा रहा हूँ मैं अपना रियर सीट्स के बारे में तो यार रियर सीट बेल्ट का क्या मतलब मैं बताने जा रहा हूँ तो जैसे कि हमारे इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें रियर सीट्स बेल्ट लगानी कोई वो नहीं है हमारी अपना कि हमारे ट्रैफ़िक रूल्स में नहीं आता कि हम लगाएं या ना लगाएं वो हमारे पे डिपेंडेंट है बट अदर कंट्रीज़ में हमारे में uh, कि हमारी रियर सीट बेल्ट होनी मैंडेटरी है लगानी भी मैंडेटरी है वहाँ पर तो उसके लिए हमारी सीट बेल्ट हैं यार ऐसे हमारी गाड़ी में लटकी रहती हैं यार तो ये बहुत मतलब कि इरीटेट भी करती है बंदे को यार ये क्या करें इसका बट हमारी गाड़ी में एक ऐसा इसमें अल्टीमेट फीचर है यार पर आप लोगों को शायद पता भी हो और कईयों को नहीं भी पता होगा लोगों ने बिल्कुल ऐसे पीछे घेर रखी होगी सीट बेल्ट और कोई इसका फ़ायदा नहीं है तो मैं आपको एक बात बताऊंगा आपको करना क्या है उसके लिए आपने ये सिंपल एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए आपके लिए क्या होगा ये आपकी जो सीट बेल्ट है ना लटक रही है ठीक है यहाँ पर पिछली साइड में बैक में हम रियर में जाएंगे आपको यहाँ पर ये देखो ये आपको लॉक से दिख रहा होगा आपने सोचा होगा ये पता नहीं क्या होगा कभी किसी ने नोटिस भी नहीं करा होगा इस चीज़ को बट हाँ मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला ही एक इंजीनियर हूँ यार इंजीनियरिंग मैंने करी है मैकेनिकल में बट मैं ऐसा नहीं मैं कहता कि मैं एक बहुत ही हायर पोस्ट पे पहुंच गया हूँ कि मैं एक वीडियो बना ली तो मैं कोई या मैं अपने आप को इंजीनियर मान रहा हूँ बट यार एक्चुअली ये एक लॉजिकली सिंपली बताने की अगर मेरे को चीज़ पता अगर सामने वाले को शायद पता भी हो और ना भी पैदा हो बट हमें बताना ज़रूर चाहिए तो इसकी हमें मदद से क्या करना है यहाँ पर जो ये लॉक है ना इसमें हम रियर सीट बेल्ट को अड़ा देंगे ये देखो कैसे अड़ाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले मैं उसको ऊपर उठाऊँगा यहाँ से हल्का सा और ये आपका जो लॉक है ना ये इसके अंदर सिंपल से ऊपर से यार भाई तू हट जाना एक मिनट यार बेशरमै है, है तो इसके अंदर हम डालेंगे और ये देखो थोड़ा सा मैं नीचे से पास करके दिखा तो ये देखो यहाँ से डालेंगे हम इसको और ये ये देखो और ये इसमें अटैच हो जाएगा और ये यहाँ हैंग हो जाएगा और आपको सीट बेल्ट नीचे गिर दे कोई अब दिक्कत नहीं है आपको ये देखो सीट बेल्ट लटक गई अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको और इधर साइड भी सेम यूजुअल मैं ऐसे ही कर दूंगा तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाया था पर मैंने ये शुरू से ही ऐसे हैंग कर रखी थी मेरे को पता लग गया था एक यहाँ पर मैंने चेक करी थी शुरू में ही तो मुझे पता लग गया था मैंने इसको हैंग कर दिया था और ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से हैंग हुई है तो बस मैंने यही बताना था आज की वीडियो में सो ये एक सिंपल सी एक वो थी प्रैक्टिकल था यार कुछ भी समझ लो तो मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि आपकी गाड़ी में क्या क्या छोटे मोटे फीचर्स जो भी हैं अब अब कईयों को पता होता है यार कईयों को नहीं पता होता तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में सो टिल दन बाय टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक like करना एंड वीडियो को शेयर करना तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूंगा यार प्रोबेबली मेरे को एक भाई ने पूछा था यार रैट के ऊपर कि रैट को गाड़ी में आने से कैसे रोकें तो मिलते हैं अगली वीडियो में सो टिल धन बब्बाई टेक केयर